हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजिली एंड स्मार्टली। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली एटॉमिक मास एंड द मास नंबर में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स समझने इस चीज को। तो हमने वैसे तो आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ाया है कि मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर की डेफिनेशन थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि एक एटम के अंदर होते हैं। ओके, एक एटम के अंदर हमने देखे थे कि वहां पे प्रोटॉन भी थे एंड न्यूट्रॉन भी थे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम प्लस कर दें, दोनों को साथ में कंबाइन कर दें, टुगेदर ले लें, उसको अगर हम बोले प्लस करने पे जितना आंसर आता है वो होता है मास नंबर। ओके, रिपीटिंग वन मोर टाइम कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एड करने पे जितना हमको नंबर मिलता है वो होता है मास नंबर। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो मास नंबर है क्या उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है एंड जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमेशा सेम रहेगा क्या, किसी भी एक एलिमेंट का एटम बात कर रहे हैं। ओके, तो समझिए इस चीज को स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अगर हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को उठाते हैं, पिक करते हैं, तो उस कंडीशन पे, ओके, यानी कि हमने एक एलिमेंट के अलग अलग एटम उठाए हैं, तो क्या हमेशा उन एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है सेम मिलेंगे क्या? तो इट माइट बी स्टूडेंट्स कि हो सकता है कि आपको हमेशा हर एटम में, ओके, एक ही एलिमेंट के हर एटम पे जो है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आपको अलग अलग मिल सकते हैं, उसके चांसेस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स जो है, आइसोटोप क्या होता है एग्जैक्टली कि वैसे तो इसको हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, समझिए इस चीज को। तो आइसोटोप हो सकते हैं, ओके, यानी कि डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स, जस्ट ट्राई टू फोकस द कंसेप्ट। अगर मैं सिंपली बोलूं यहां पे मास नंबर क्या है, अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट के एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर दूं तो जितना नंबर आएगा वो मास नंबर होगा। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि फिर एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास क्या है एग्जैक्टली, एटॉमिक मास जो है वो एवरेज मास है। एवरेज मास किस चीज का है कि उस एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, उस एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होते हैं, ओके, उन सभी आइसोटोप्स का जो एवरेज मास होता है वो होता है हमारा एटॉमिक मास। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मास नंबर एंड एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।